हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज आप सबके लिए मेरे पास में एक बहुत ही क्यूट सा सरप्राइज़ है जो आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ देखा होगा। सो आप लोग समझ गए होंगे कि इन क्यूट से मेहमानों के साथ में आज की वीडियो शूट होने वाली है शिज़ूज़ के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। शिज़ू ये ब्रीड का ओरिजिन चाइना से है एंड इसके अलावा बात यह है कि वहाँ की एक बहुत ही सुंदर सी प्रिंसेस थी, उस प्रिंसेस के नाम के ऊपर से इनका नाम रखा गया था शिज़ू। वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ है जो क्लेम करते हैं कि शिज़ूज़ उनके कंट्री का ओरिजिन है, बट दैट्स नॉट ट्रू क्योंकि ये बेसिकली चाइनीज़ ब्रीड है। बट येस, आई फील दिस इज़ वेरी क्यूट एंड ये बहुत ही लवेबल होती है, बहुत फ्रेंडली होती है एंड आई थिंक जो भी फर्स्ट टाइम ओनर्स होते हैं, जिन्हें एकदम फर्स्ट टाइम डॉग अडॉप्ट करना है, आज तक जिसने कभी भी पेट को अडॉप्ट नहीं किया हुआ या पेट पेरेंट नहीं रहा है, उस पर्सन के लिए ऐसी एक फ्रेंडली और लवेबल ब्रीड रहना बहुत ज़रूरी होती है, एज यू कैन से जस्ट टू गेट इन द प्रैक्टिस इन द स्टार्टिंग। सो येस, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट डिसीजन टू गेट अ शिज़ू फर्स्ट इन योर हाउस। इस ब्रीड के साथ में वैसे तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हैं या आपके घर का साइज़ छोटा है, तो बहुत ही कम मेंटेनेंस के साथ में और बहुत ही कम जगह की रिक्वायरमेंट रखते हुए ये ब्रीड को आप बहुत ही अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप शिज़ू लेने की तैयारी कर रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, इस ब्रीड को अपने मास्टर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है और ये आपको एक रूम से दूसरी जगह पे हमेशा फॉलो करेगी। सो गाइज, प्लीज़ मेक श्योर कि अगर शिज़ू आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपकी बाथरूम में भी मिलने वाली प्राइवेसी को कम्प्लीटली भूल जाइएगा। इसके और एक क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रीड बहुत ही अच्छे इंडिपेंडेंट ब्रीड होती है। आप घर में अगर थोड़े टाइम के लिए इनको अकेले छोड़ के कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं, तो घर में वापस आने के बाद में आपको आपका घर जैसा है वैसी हालत में ही मिलता है, बिकॉज़ अदर लार्ज ब्रीड्स की तरह ये दंगल नहीं मचाते हैं घर में। सो उस मामले में ये एक आई थिंक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सो ये जो ब्रीड है, इसको सिर्फ एक चीज़ रेगुलर करनी पड़ती है, वो है कि इसे रोज़ 2 से 3 बार आपको कोम करना पड़ेगा। बट है, देर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एज यू कैन सी, रॉकेट इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम क्योंकि इसकी बहुत अच्छे से कटिंग हुई है। सो ह्यूमिड एटमोसफेयर में या रेनी टाइम में अगर आप इसकी अच्छे से कटिंग कर देते हैं तो इसकी स्किन को हवा लगती रहती है और शिज़ूज़ में नॉर्मली जो लॉन्ग हेयर की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स आती है एलर्जी वाली, वो इनमें नहीं होती है। सो येस, आई थिंक शॉर्ट हेयर में डॉग्स को रखना उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल होता है। शिज़ूज़ आर वन ऑफ द फाइनेस्ट वॉच डॉग्स इन द वर्ल्ड। लासास के बाद शिज़ूज़ का ही नंबर आता है। सो लेट मी टेल यू गाइज, अगर आपके घर में कोई भी मेहमान या कोई भी पर्सन आता है और बेल बजाने के पहले ही इनडोर होने के बावजूद भी इन डॉग्स को पता चल जाता है दैट समबडी स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर, और पहले ही वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बार्क करके लाइक एन अलार्म और अलर्ट होके बता देते हैं कि हाँ कोई आया हुआ है। सो ये क्वालिटी तो मुझे बड़ी क्यूट लगती है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा डॉग है तभी आपको पता चलेगा और प्रोटेक्शन होगा कि कोई आया हुआ है। सो आई थिंक टॉय ब्रीड्स भी ये काम बहुत क्यूटली कर लेती है। कम स्पेस के साथ साथ में बहुत ही कम एपेटाइट भी इनका होता है। इन्हीं के एपेटाइट के बारे में मैंने जो मेरी लास्ट लासा एपिसोड के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे थे। तो अगर आप में से किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है और इनके एपेटाइट के बारे में मोर डिटेल में जानना चाहते हैं, सो आई सजेस्ट यू गाइज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने वहाँ पे इसी के बारे में जो लिंक है मेंशन करी हुई है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो जिन लोगों का टॉय ब्रीड में थोड़ा सा एक्सपेंसिव बजट होता है वो लोग शिज़ूज़ लेना प्रेफर करते हैं, और जिनका थोड़ा सा लेस बजट होता है वो लोग पग या इस टाइप की कोई ब्रीड लेना पसंद करते हैं। गाइस देखो, वैसे तो लाइफ स्पैन डॉग्स का ये एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सैड वाला पार्ट होता है हर किसी पेट ओनर के लाइफ में, लेकिन जनरली अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो किसी भी डॉग की जो लाइफ होती है वो 10 से 12 ईयर्स की होती है। बट शिज़ूज़ पेट ओनर्स थोड़े से इस मामले में लकी होते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स। बट देन अगेन आई थिंक दिस फैक्टर्स वी कैन कंसिडर, लाइक इनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम किस तरीके से रखते हैं, इन्हें डाइट कैसी देते हैं, इन्हें जिस तरीके से हम फिट रखते हैं या इनको जिस तरीके से हम अच्छी डाइट देते हैं, तो देन इट कैन बी इंक्रीज मोर देन 15 ईयर्स इज़ वेल। वैसे तो शिज़ू पपीज़ का जनरली वेट 5 से 6 kgs का होता है, लेकिन अगर बहुत ही हेल्दी डॉग है और उसको बहुत ही अच्छे से आप उसकी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, तो इट कैन इंक्रीज़ अप टू 8 से 8.5।
लेकिन शिजूज का जनरली वेट 8 to 8.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो इन द लास्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द कलर्स। जो शिजूज में कलर आते हैं वो जनरली व्हाइट के ऊपर में इस तरीके की ब्राउन और ब्लैक वाले स्पॉट में मिक्स आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इनके पैचेस होते हैं। तो बस यही होता है और मैं जल्दी जल्दी ये वीडियो ख़त्म इसलिए करना चाहूँगी इस लास्ट पॉइंट के साथ में, बिकॉज टूटू को ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है एंड शी इज़ ऑलरेडी स्लीपिंग विथ हर ऑल द ड्रेस एंड मेकअप ऑन। सो येस गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गाइज, अगर आप लोगों ने ये वीडियो हमारे साथ में एंजॉय की हुई है तो कीवी रॉके एंड टूटू की तरफ से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अगर किसी ने अब तक नहीं किया, इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ भी कंप्लेंट या सजेशन लिख के बता सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू टेक इट। मेरी इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी हुई है, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, टूटू की बहुत सारी फोटोज़ एंड वीडियोज़ आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर एंड बाय बाय।